हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रेसिपी विद मधु में आप सभी का वेलकम है। फ्रेंड्स तो आप फ्रेंड्स आज मैं बेसन के बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल अलग रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बॉयल में बेसन ले लिया है। फिर इसमें थोड़ी सा हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और 1 स्पून ऑयल डालकर इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालकर इनको अच्छे से इसको पानी के जरिए इसको मिक्स कर लूँगी और इसका एक स्मूथ सा इसका बेटर तैयार करूँगी। इसको अच्छे तरीके से मिलाते रहना है फ्रेंड्स, ताकि इसमें गुलटियाँ ना बनी रहे। ये देखिए हमारी यह बेसन के स्मूथ बेटर बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से हमें इसकी बेटर तैयार करनी है, न ज़्यादा ही पतली न ज़्यादा ही मोटी। हमें एक कटोरी में पानी रखकर इनको थोड़े से डालकर इसमें चेक कर रही हूँ कि हमारे बनने लायक तैयार हुए कि नहीं बेसन की बेटर। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया। फिर बेसन के बेटर को एक एक करके पकौड़े के शेप में इनको छोटे छोटे बॉल्स डालकर इनको पकौड़े तैयार करूँगी। अब मैं दूसरी साइड से इसको पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से इसको पका लूँगी ऊपर नीचे कर कर। इसको बीच बीच में चलाते रहूँगी। पकौड़े हमारे बिल्कुल बन गए। अब उसी कढ़ाई में मैं उस तेल डालकर एक सूखी मिर्च, तेज़पत्ते और थोड़ी सी खड़ी गरम मसाला और उसी में मैं कट की हुई प्याज डालूँगी और सभी को अच्छे से भूनकर इसको रोस्ट कर लूँगी। देखिए यहाँ पर हमारे प्याज भून चुके हैं। अब इनको मिक्सर जार में डालकर इनका एक स्मूथ सा बेटर मैं तैयार करूँगी। अब उसी कढ़ाई में मैं एक चम्मच जीरा डालूँगी, थोड़ी सी कट की हुई लहसुन, हरी मिर्च और इनको अच्छे से मैं चला लूँगी ब्राउन होने तक। मैंने जो बेटर तैयार करके रखा था उसको इस तेल में डाल दूँगी और इनको थोड़ी देर तक इसी तरह से हिला हिला कर चलाते रहूँगी बढ़िया से। और इसका जो पानी इसका है उसको इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, इनको भी साथ मिलाकर अच्छे से इसको चला लूँगी। अब मैंने टमाटर पीस लिए मिक्सी में और उसी में मैं एक चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर इसमें डालूँगी और इनको अच्छे से मिलाकर एक पेस्ट तैयार करूँगी। देखिए यहाँ पर हमारे मसाले बिल्कुल भून चुके हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर हो चुके हैं। अब मैं इसी के साथ जो हमारे मसाले तैयार किए हुए हैं और इनके साथ मिलाकर अच्छे से इनको भूंजूंगी। इसी तरह चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। इसको हमेशा चलाते रहना है। देखिए हमारे यहाँ पर मसाले भून चुके हैं। अब इसमें मैं टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करूँगी, इनको इसके साथ मिलाकर अच्छे से चला लूँगी। इसको थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहना है। देखिए यहाँ पर हमारे मसाले भून कर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। कलर काफ़ी अच्छे मसाले के आ चुके हैं, ये देखिए। अब हम इसी में पानी ऐड करेंगे, जितना हमें डालना है पानी उसके हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसी के साथ मैं एक चम्मच गरम मसाला ऐड करूँगी ताकि इसका टेस्ट काफ़ी और अच्छा हो जाए और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब जो हमने पकौड़े तल के रखे हैं उनको इसको जो हमारे ग्रेवी बॉयल हो रही है उनके साथ डालकर इनको अच्छे से थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे। इसकी सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप सब भी ज़रूर इसे बनाइएगा। देखिए यहाँ पर हमारी बेसन की रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी हो गई। देखिए कितने अच्छे लग